बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज मैंने दो शेयर करनी है। ये आए रोज़ तहरीक इंसाफ के दोस्त उठते हैं और वो गुंडे लेके ग्रिड स्टेशन में घुस जाते हैं। वहाँ पे जाके कोई स्विच ऑन तो कोई स्विच ऑफ कर देते हैं, और ये कोई आम कारकुन या वर्कर भी नहीं कर रहे, बल्कि ये वज़ीर आला साहब ख़ुद कर रहे हैं। इस पे बात करनी है। दूसरी बात करनी है कि कल एक स्टोरी आई, बल्कि सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान आया कि चीन पाकिस्तान से नाराज़ हो गया है। इस पर भी बात करनी है, इसकी वजूहात क्या हैं, क्या सूरत हाल है, इसके सारे प्रॉस एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे, इस पर एनालिसिस भी करेंगे, मैं कुछ मालूमात भी दूंगा, इस पर भी बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कुर्बानी प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाबी से वो हमकिनार हुआ। मैं आपके साथ वीडियोस भी शेयर कर चुका, यहां पर भी शेयर करूँगा। और अब पानी प्रोजेक्ट यानी वाटर प्रोजेक्ट चल रहा है, व्हील चेयर और सिलाई मशीन, और सबसे ज़्यादा वाटर प्रोजेक्ट इस वक्त जिसकी अशद ज़रूरत है, क्योंकि झुलसा देने वाली गर्मी है और वो लोग जोड़ों का पानी पी रहे हैं। हम उनको ठंडा पानी प्रोवाइड करते हैं। क्या हम करते हैं, हम तो डखाने का काम करते हैं, आपके तावन और अल्लाह के करम से होता है जनाब। ये मैं सबसे पहले इन दोनों ख़बरों पर आने से पहले, ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपके सामने चल रही है, आज ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी चल रही है, ठीक, वायरल हुई हुई वीडियो है। कोई एक्सीडेंट हुआ यहाँ, पता नहीं कि ये किधर हुआ है, पंजाब में या कहीं हुआ है, तो ये गाड़ी जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स थे माशाल्लाह, वो उसको लूट लूट के लेके जा रहे हैं माल गनीमत की तरह, ठीक। ये हम कौम है, मतलब आप अगर कुछ कहें तो वो जनाब आप उस वक़्त कहते हैं जनाब हमने इन चीज़ों का बायकॉट किया हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें तो पता नहीं किस किस की हैं और हमने तो बायकॉट किया हुआ है, और वैसे ही मुफ्त मिल गई हैं तो उन्होंने लूटना शुरू कर दिया है। ये कौम के एक होता है ना अखलाकियात, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कौम की आपकी मुआशरे की अखलाकियात को ज़ाहिर करती हैं। ये वो कौम है, और ज़ाहिर है फिर हम हैरान क्यों होंगे कि जब ऐसी कौम के माशाल्लाह जवान जब इमरान ख़ान को पसंद करेंगे और उनका मतलब वो उनका लीडर होगा और उनको आइडियलाइज़ करेंगे। पता नहीं कौन साहब हमारे एक सहाफ़ी हैं, बड़ी ख़ूबसूरत बात उन्होंने कहा, उन्होंने कहा यार मुझे तो खैर वैसे हैरत नहीं होती कि जो लोग इस दौर में चाहत फ़तेह अली ख़ान को पसंद कर रहे हैं, जो नौजवान, ना कोई उनकी आवाज़ है और ना कोई उनका कोई संजीदापन और ना कोई उनके कोई सुर है, चाहत फ़तेह अली ख़ान को जो नौजवान पसंद कर रहे हैं, अब ऐसे अगर नौजवान इमरान ख़ान को पसंद करेंगे तो मेरे लिए क्या हैरानी होगी। मतलब मैं आप कहता हूँ कि जहाँ अखलाकियात गिर जाए, जहाँ पर शऊर गिर जाए, जहाँ पर अक्ल से आरी हों, जहाँ पर अपर चैम्बर फारिग हो, फिर तो कोई भी उनको आगे रेवड़ की तरह लगा ले ना, फिर तो कुछ भी नहीं है। ये कौम की अखलाकियात हैं, ये इन चीज़ों का उन्होंने बायकॉट किया हुआ था, क्योंकि भाई मज़लूमों पर जुल्म वो कर रहे हैं, ये उनकी चीज़ें हैं, इस वजह से हम बायकॉट। और वैसे ही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर छोड़ के भाग गया गाड़ी को, और उन्होंने जनाब लूटना शुरू कर दिया। और क्या किसी के हाथ दो बॉटल्स लगी तो किसी के हाथ चार, तो किसी के हाथ एक क्रेट, तो किसी के हाथ, ये हमारी अखलाकियात है, ठीक हो गया ना। ये हम क्या बाज़मीर लोग हैं, बाज़मीर कौम हैं, ये हमारी टोटल औकात है। अब ये वो सोशल मीडिया का ज़माना है, वो बातें छुपती तो हैं नहीं, खैर अब क्या फिर कौम की अखलाकियात होंगी जब ऐसे लीडर होंगे माशाल्लाह। ये साहब जो है ना आपके सामने आप देख रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब, ये वज़ीर आला हैं, डेरा इस्माइल ख़ान, मेरा अपना शहर भी डेरा इस्माइल ख़ान है। ज़ाहिर है वो फिर जब ईद बकरीद वग़ैरह होती है तो वो अपने आबाई गांव में जाते हैं, और ये साहब आज चल पड़े, उन्होंने कहा जी मैं ग्रिड स्टेशन जाता हूँ और मैं जाके मैं बहाल करूंगा बिजली, और ये जनाब घुस गए ग्रिड स्टेशन गुंडों को लेकर साथ, और जाके कहते हैं जनाब कि ये करो, ये बटन जो है ना ये मैं बंद कर दूंगा, मैं और भी बटन बंद कर दूंगा।
मैं वफाक को कह रहा हूँ और फिर वही धमकियाँ और फिर वही भड़कें लगाना और फिर वही तमाशे और फिर वही बकवासियात और इसी तरह, मतलब उन्होंने, आप मुझे ये बताएं कि जब से साहब आए हैं उन्होंने कोई काम भी किया है या नहीं किया, कोई एक बताएं ना। जो लोग, अब मैं कल सुन रहा था अतर काजमी साहब को, अब अतर काजमी साहब को एक यूथिया सहाफ़ी कहते हैं, उन्होंने भी, मैं तो हैरान हुआ सुन के, लेकिन कोई हैरानी की बात नहीं है, चले फिर भी उन्होंने कोई सही बात कर दी। उन्होंने भी कहा है कि भाई अब इस वक्त जो चारों वज़राए आला हैं ना, जो सब पे सबसे ज़्यादा टॉप पे किसी का वज़ीर आला जा रहा है, जो वो जा रही हैं, वो मरियम नवाज़ साहब हैं जो पंजाब की वज़ीर आला हैं, नज़र आ रहा है कि वो काम कर रही हैं, नज़र आ रहा है। और फिर साथ ही सिंध के वज़ीर आला साहब, उनका भी नज़र आ रहा है कि काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान का तो वाकई उन्होंने सही कहा है, पता ही कोई नहीं चलता कि हैं किधर। और खैबर पख्तूनख्वा वो कभी एक ग्रिड स्टेशन में घुस जाते हैं, कभी किसी को धमकी लगा रहे हैं, कभी किसी को धमकी लगा रहे हैं, काम तो उनका एक भी कोई नहीं नज़र आया। अदरवाइज़ जो उनका तेज़ सोशल मीडिया है, अगर कोई उन्होंने काम किया होता वो तो इमरान, आपको नहीं पता इमरान खान कोई थूक फेंकते थे तो उसकी भी 10 वीडियोस आ जाती थी, ठीक है ना। उनके कपड़ों में वो जनाब कोई बनावटी मोरियां लगा के, तो पता नहीं क्या क्या, कभी कोई नमाज़ पढ़ते तो कभी, अब इस दफ़ा भी कहा है उनको ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने दी गई अडियाला में। मुझे ये बताएं आप, पिछली खबरें निकाल लें ज़रा, गूगल करें कि खान साहब कोई 3.5-4 साल रहे हैं यहाँ पे, तीन चार ईदें तो आईं, बल्कि वो ज़्यादा आईं क्योंकि बड़ी छोटी ईद दोनों मिला के, कभी आपने देखा को खान साहब की वीडियो आई हो कि खान साहब ईद की नमाज़ पढ़ रहे हों? को आखिरी साल में मुझे याद है कोई एक आध वीडियो आई थी, अदरवाइज को वो उठते 11 बजे हैं, उन्होंने क्या ईद की नमाज़ पढ़नी है। तो जनाब ये वो लोग हैं, कभी वो फजल इलाही हैं इनके एक MPA, वो घुस जाते हैं गुंडों को लेके साथ, और वो पेशावर में वो ग्रिड स्टेशन, वो कहते हैं जब बिजली बहाल करो। ये तालिबान दहशतगर्द उड़ा देते थे गैस पाइपलाइंस, आपको याद होगा बलूचिस्तान में, बाकी वो जो बाकी आ रही तो वो ये गैस पाइपलाइंस धमाकों से उड़ा देते थे, ये दहशतगर्दी थी प्योर, उसी तरह भी ये दहशतगर्दी है भाई। अगर कोई आप बिल नहीं देंगे तो फिर आप ख़ुद बताएं जिस फीडर पर इतने लाइन लॉसेस होंगे उसका आपका क्या ख्याल है? यहाँ पर लोगों का सत्यानाश हो जाता है बिल दे दे के, और ये बिल इसी वजह से ज़्यादा आते हैं इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों के, लाहौर में रहने वाले लोगों के, और बिग सिटीज़ में और रावलपिंडी में रहने वाले लोग, जिन इलाकों में लोग बिल देते हैं उनके बिल इसी वजह से ज़्यादा आते हैं कि उन्होंने क्या करना है, लाइन लॉसेस वो बराबर करते हैं, वो हम पे डाल देते हैं। जहाँ किसी का बिल 10,000 आना है उनका 15-20,000 आ जाता है, जिसका 20,000 आना है उसका 30,000-35,000 आ जाता है, जिसका 30,000 आना है उसका 40-50,000 आ जाए, उसकी वजह को लाइन लॉसेस इधर से बराबर करते हैं। तो कोई बिल दे नहीं और कहे कि लोड शेडिंग भी इधर ना हो, तो फिर तो बहुत ही एक जुल्म है ना, एक अजीब व गरीब, एक बड़ी अजीब मंतिक है कि जी हम बिल भी नहीं देंगे। वो कह चुका है खुद हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, वो कह चुका है कि मेरे लोग मजबूर हैं जिसकी वजह से वो बिल नहीं देते, मेरे लोग वो ये हैं कि वो जिसकी वजह से वो कुड़ियाँ डालते हैं, जिसकी वजह से वो बिल नहीं, मुझे पता है डेरा इस्माइल खान में कितने लोग बिल देते हैं, कितने परसेंट लोग बिल देते होंगे, 5% लोग भी मुश्किल बिल देते हैं। तो फिर जहाँ 95% लोग बिल ना देते हों तो वो 5% भी रगड़े जाएंगे बेचारे, 5 या 10%। अब आप अंदाज़ा कीजिए जहाँ पर गुंडा बन के वज़ीर आला चला जाए और वो घुस जाए ग्रिड स्टेशन में और उस पे पर्चा भी न, फिर अगर कोई गरीब आदमी इस तरह से करे तो फिर तो डेफिनेटली इन लोगों को पनाह दी गई कैंट में और ऐसे लोगों को उठा के वज़ीर आला बनाया गया। और ये वज़ीर आला साहब कभी किसी, अच्छा वो करते क्या हैं? कोई उन्होंने अमली काम नहीं करना, अमली काम तो कर रहे हैं, यही भड़के मारनी है, यही तमाशा, यही सस्ती शोहरत के लिए पीछे पूरा रेवड़ लगा के गुंडों का, और जनाब घुस गए और जी बल्ले बल्ले हो गई जनाब, ये मैं तुम्हारे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, करेगा कुछ भी नहीं। उसकी वजह यह है कि इधर से डंडा पड़ता है। ये 2 दिन पहले मैं शहजाद अकबर साहब की एक वीडियो देख रहा था उनके चैनल, अभी भी पड़ी है उनकी, आप देख लें उनकी, वो कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर हमारे वज़ीर आला तो हैं ही नहीं,
वो साहब कह रहे थे कि जो जो डीसी, जो जो एसपी, जो भी डीपीओ, जो भी कमिश्नर, जो भी एसी, जो भी ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं जिन्होंने उनके बकौल हम पर मुबैना जुल्म किया, वो अभी तक भी वहीं पे लगे हुए हैं, पिशावर की हद तक भी तब्दील नहीं हुए। उन्होंने दो नोटिफिकेशन भी दिखाए मेजर जनरल्स के, जो रिटायर्ड मेजर जनरल्स हैं फलांग फलांग के, उनको हेड लगा दिया गया। वो कह रहे थे कि इनको आपने हेड क्यों लगाया, आपने सिविलियंस को क्यों नहीं लगाया। शहजाद अकबर साहब, अपना पता कोई नहीं, जब इमरान खान साहब थे और ये साहब थे, इन्होंने को दो से ढाई दर्जन इदारों के लोग, सर्विंग लोग लगा दिए थे। रिटायर्ड तो लगाए लगाए थे, जो सर्विंग लगा दिए थे। अब वो कह रहे हैं अली अमीन को कि वो कहो भाई जिसके जो भी जिस तरीके से जो हिसाब किताब हत्थे आएगा वो उसी तरीके से करेगा। उसको नहीं पता कि भाई मुझे किसने बिठाया है, उसको नहीं पता कि मैं अपने अपना मेरा वज़ीर था इसरारुल्ला गंडापुर। अगली वीडियो में मैं उस इसरारुल्ला गंडापुर की वीडियो दिखाऊंगा आपको, ये उनके भाई की, ठीक है ना, उनका मैं बयान दिखाऊंगा। इसरारुल्ला गंडापुर के कत्ल में ये बंदा नामजद है, उसका उसका मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी हो चुका उसके भाई का, और ये JIT जो बनी उसमें उन्होंने इनको कसूरवार करार दिया। तो ये इनसे कहें कि आप हिल सकते हो, ऐसी तैसी नहीं वो फेर देंगे। जो बंदा एक कत्ल में नामजद हो 302 में और वो वजीर आला बना हुआ है, तो अगर वो उसने बदमाशी करने की कोशिश की तो अगलों ने दो मिनट के अंदर उसकी बदमाशी निकाल देनी, और आप कहते हो वो किसी और का वजीर आला है, वो किसी और का ही वजीर आला होगा ना, ये तो हो ही नहीं सकता कि वो किसी और का वजीर आला ना हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के एक इंतशार रह गया है, आप लोगों का आपके इंतशार। अब कल एक कोई अननोन जरीदा को, वो गालिबन जापान का को डिप्लोमेट कौन सा को इस तरह का को अननोन जरीदा अननोन को अखबार था, उसमें एक खबर लगी जनाब कि चाइना ने कल परसों कि चाइना ने डिग्रेड कर दिया है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को, और फिर यूथियों ने तमाशा बनाना इस पर शुरू कर दिया। वो साबिर शाकिर साहब बाहर बैठे हैं, उन्होंने वो तमाशा बनाना शुरू कर दिया। ये वाकई वो मरवत साहब वो कौन से हैं अपना वो इसमें वो मरवत साहब जो जब जज जिनको इन्होंने निकाल दिया, वो बिल्कुल ठीक कहा है। उन्होंने कहा है भाई बाहर बैठ के अमेरिका या कनाडा या यूके या इधर उधर बैठ के उधर बुड़ बुड़ करना वो बड़ा आसान होता है, यहाँ पे आके ज़रा करें ना, ताकि आपकी जुरत का पता चले, आपका पता चले सारा कि आप कितने पानी में हैं, आप कितने बागैरत बाशऊर और कितने बहादुर हैं, यहाँ पे ज़रा आके बोलें ना, तब पता चलेगा कि जिस तरीके से कि गलत को गलत और ठीक को ठीक कहें। यहाँ पे बैठे ना, बाहर नस के उधर से तमाशे बना रहे हैं उधर से पाकिस्तान के ख़िलाफ़। जनाब वो चाइना नाराज़ हो गया है, साबिर शाकिर की ब्रेकिंग न्यूज़, चाइना पाकिस्तान से नाराज़ हो गया है, ये है, वो है, इस तरीके से। अच्छा, अब उन्होंने उस खबर को शेयर किया और ये किया वो किया, उसमें शामिल कौन कौन, आदिल राजा उसमें शामिल कौन कौन, साबिर शाकिर उसमें कौन, ये वो सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तान के पक्के दुश्मन हैं, ये रियासत के दुश्मन हैं, ये कोई नहीं है हुकूमत पे आप तनकीद करें उसे किसने मना किया है, लेकिन हर वो बात। अच्छा, एक मिनट के लिए अगर फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान से चाइना राज है, फ़र्ज़ करें, मैं सपोज़ कह रहा हूँ, फ़र्ज़ करें, तो फिर ये दुख की बात है, ये हमारे लिए सोचने की बात है, या दुख की बात है, अफसोस की बात है, या तालियाँ बजाने की बात है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को चाइना की ज़रूरत है, जी हाँ है, और चाइना को पाकिस्तान की ज़रूरत है, जी हाँ है। ये जो इंटरनेशनल ताल्लुकात चलते होते हैं ये रेसिप्रोकल बेस पे चलते होते हैं, ये रेसिप्रोकेट होते हैं, ये ऐसे नहीं है कि इसमें कोई इश्क हो जाता है किसी एक को दूसरे के साथ, और उस वो अगर वो उस तरीके से अगर इस बेवफाई भी बरतता रहे तो वो बार बार कहेगा नहीं जी आप मेरे महबूब हो, मुझे कोई आपसे इश्क हो गया है, भले आप मुझसे बेवफाई कर लो, भले आप जान छुड़ा लो, लेकिन मैं तेरे दरवाजे पर यूँ समझ लें कि वो बैठा रहूँगा, पता नहीं क्या कासा लेसी करता रहूँगा, मैं चापलूसी करता रहूँगा, मैं इश्क के मोहब्बत के नारे और मैं ये सारा कुछ वक़्त, ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल मामलात में जहाँ कहीं भी कोई ताल्लुकात होते हैं वो रेसिप्रोकल बेस पे होते हैं, कुछ लो कुछ दो,
कुछ आपको मेरी ज़रूरत होगी, मुझे आपकी ज़रूरत होगी। ये इस बुनियाद पर इंटरनेशनल, चाइना को हमारी ज़रूरत है, हमें चाइना की ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये अभी प्राइम मिनिस्टर साहब गए, उनकी वजारत खारजा का बयान आया कि अब हमारा ये नई जहत में आएगा, अब हमारे ये तल्लुकात और बढ़ेंगे, अब हमारे ये तल्लुकात और बाहमी जो रिलेशनशिप है ये और मज़बूत होगी, सी पैक टू को स्टार्ट करने लगे हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर, और कोई बंदा कहे कि शहबाज शरीफ के साथ चाइना के एक आइडियल तल्लुकात हैं, एहसन इकबाल के साथ चाइना के आइडियल तल्लुकात हैं, और वो ये नहीं है, वो लोग इनसे खुश होते हैं, इनके काम से खुश होते हैं, इनके साथ उनकी केमिस्ट्री मिली हुई है। ये आप पूरा किसी को अगर पेट में मरोड़ ना हो तो पूरे हर एक चीज़ को देख लें और पूरा स्टडी कर लें माजी को। शहबाज शरीफ साहब को कोरोना हुआ, इमरान खान को भी हुआ था, शेख रशीद को भी हुआ था, उस वक्त हुकूमत भी उन्हीं की थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को कोरोना हुआ तो चाइना ने कहा आप यहाँ पर आ जाएं, हम आपका इलाज करवाते हैं। वैसे मतलब आपको मैं एक आम सी बात बता रहा हूँ, ठीक हो गया। इन्होंने वो सत्यानाश किया, उनको नहीं पता किसने सत्यानाश किया था सी पैक का। ये मवासलात के वज़ीर थे मुराद सईद साहब, सारी सड़कें वगैरह सी पैक सब कुछ उन्हीं के अंडर आता। उनको चाइना ने आखिरी विजिट पे जब ये गए इमरान खान साहब वहाँ, तो चाइना ने मुराद सईद को वीज़ा नहीं दिया था। क्यों? मुराद सईद ने इल्ज़ामात लगाए थे कि चाइना ने इनको किकबैक्स दिए हैं, इनको रिश्वत खिलाई है, ये किया है वो किया। उन्होंने कहा सब्र तुझे वीज़ा, उनको वीज़ा नहीं दिया। मुराद सईद की एंट्री अपने मुल्क में बंद की थी। इससे बड़ी बेइज्जती हो सकती है कि आप उस कंसर्न वज़ीर कौन से कहें इसको नहीं लाना, इसको उन्होंने वीज़ा नहीं दिया। वहाँ जाके बैठे रहे, अकेले बैठे रहे। आज आप वीडियो और तस्वीर निकाल लें, वहाँ जिस तरीके से वो अकेले बैठे रहे, और उसके बाद तो वो मुलाकात ही नहीं करते थे। फिर उसके बाद पाकिस्तान की वजारत खारजा और इस्टेब्लिशमेंट और इन्होंने कहा कि यार ये बेइज्जती हो जाएगी कि वज़ीर आज़म उनके सदर से मुलाकात किए बगैर ही वापस आ जाएँ, वो बगैर ही वापस आ जाएँ तो ये बड़ा मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। उन्होंने मिन्नत समाजत की और आखिर पर उन्होंने को 5-10 मिनट की मुलाकात की। ये आपकी कुल औकात थी। आपसे त्यारा मोहम्मद बिन सलमान ने उड़ जाने के बाद वापस, आखिर वो त्यारा पहले भी तो ले सकते थे, उनको नहीं पता, उनको आपकी गालियां और उनके आपका चवलपन तो पहले ही पहुँच चुका था, ट्रांसलेशन भी पहुँच चुकी थी सब कुछ कि इसने क्या किया मेरे ख़िलाफ़, क्या क्या चवल मारे हैं, ठीक है। तो वो उड़ने से पहले भी त्यारा ले सकते थे ना, लेकिन नहीं, एक दफ़ा अमरीका में त्यारा उड़ा और कोई घंटा आधा घंटे का सफ़र किया, तब उन्होंने कहा जी वापस करो ताकि इसको पूरी इंसल्ट फील हो, ये मेरा त्यारा है, आपने मेरे ख़िलाफ़ इस तरह की मुझे गालियां बकी हैं, इसलिए ये त्यारा वापस करो। वो त्यारा वापस गया खान साहब, फिर दूसरे त्यारे पे आए। इससे बड़ी बेइज्जती हो सकती है? टांग पे वो 6 महीने प्लस्तर चढ़ा के बैठा रहा। दुनिया की पहली गोली होगी, मुझे कोई बंदा दिखाए कि किसी को गोली लगी हो, पट्टी तो बांधते हैं लोग, किसी को देखा है किसी को गोली लगी हो और प्लस्तर चढ़ा के बैठा हो, वो भी गर्मी के मौसम में, और 6 महीने प्लस्तर चढ़ा के बैठे रहे। अगर आपके इतने इंटरनेशनल ताल्लुकात होते तो कोई चाइना के सदर का फ़ोन आ जाता, कोई मोहम्मद बिन सलमान का फ़ोन आ जाता। इन लोगों ने कोशिश करके देख ली कि किसी तरीके से कन्विंस किया जाए। बाहर से इन्होंने मिन्नत समाजत भी करवाई, किसी ऐसे तरीके से इनको कन्विंस करें कि भाई मोहम्मद बिन सलमान एक फ़ोन ही कर दे तीमारदारी का ताकि भले भले हो जाए। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने खातिर में भी नहीं लाया इनको। ये आपके टोटल ताल्लुकात थे, ठीक। अब पता चला कि जनाब हम कश्मीर आपने भेज दिया, बाद में गए कि जनाब वो जो ह्यूमन राइट्स की कौंसल है ना, तो उनके अब ये शाह महमूद कुरैशी साहब गए और ये बड़े अथेंटिक और बड़े सीजनड वज़ीर ख़ारजा जिनको कहा जाता है, वो पार्टी के ज़माने में थे, बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े सीजनड, ठीक हो गया। उन्होंने कहा जनाब कि वो जो है ना हम उस जो कौंसल है ह्यूमन राइट्स की, मैं बाहर गया हूँ, 58 के 58 मेम्बरान को कायल करके आ गया हूँ, ठीक, 58 के 58 मेम्बरान को कायल करके आ गया हूँ।
बाद में पता चला भाई उस काउंसिल के तो टोटल मेंबर ही 47 हैं। अब आप अंदाज़ आप सीरियसनेस का ज़रा अंदाज़ा लगा लें इनकी हुकूमत का कि बाहर कितने ताल्लुकात थे माशाल्लाह और किस तरीके से आज वो कह रहे हैं कि जनाब अब एहसन इकबाल साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और उन्होंने कहा कि जी चीन के साथ तो हमारे बहुत ही आइडियल ताल्लुकात हैं। भाई अगर कोई इस तरह की सूरत हाल हो कि रियासत पे कुछ बने तो फिर तो सारे एक आज ये हुकूमत है कल शायद हो सकता है आपकी हो परसों किसी और की हो, लेकिन आप जो जो भी गंद डाल रहे हैं ना मैं आपको ये बताऊं आपके आपका प्रोफाइल नेगेटिव बन रहा है। आप गंद डालते जाओ आपका नेगेटिव प्रोफाइल बन रहा है। जो हुकूमत है वो महंगाई कम कर रही है, पेट्रोल कम कर रही है, जो हुकूमत है वो खाने पीने की अशिया की कीमतें नीचे आ रही हैं, जिसकी नीचे नहीं आ रही वो स्टेबल हो गई है, रुपया स्टेबल हो गया है, डॉलर ऊपर नहीं बढ़ रहा, स्टॉक एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म कर रही है, मरियम नवाज़ एक ट्रिमेंडस काम कर रही हैं पंजाब में बग़ैर किसी तनकीद को खातिर में लाए, बिल्कुल जनाब उनको आप गालियां दे रहे हैं तनकीद कर रहे हैं बिल्कुल नहीं खातिर में, दिन रात एक जैसे कतन जो बंदा जुत जाता है जिस तरीके से वो दिन रात मेहनत कर रही हैं ना भागम दौड़ और जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अब इन बेचारों को हो रहा है कि यार ये जो अब सर्वे भी आया है एक लेटेस्ट उसमें को 55% देहातों में और 62% शहरों में उनसे 62 के पता नहीं 65% उनकी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। अभी तो चंद माह हुए हैं को साल दो साल मिले जिनमें वो प्रोजेक्ट्स बहुत सारे सड़कें बन गई और पता नहीं क्या किया आईटी के फलां वो चीज़ बन गई और मोटरसाइकिल दे रही हैं और लैपटॉप दे रही हैं पता नहीं बहुत सारी चीज़ें। अब तो बंदा गिनने पे बैठे मैं कोई तर्जमान नहीं हूँ कि तर्जमान उनके बता रहे हैं, लेकिन एक बात है मैं खुद यकीन करें हैरान हुआ आज अतर कादमी साहब भी कह रहे थे कि अगर आप चारों वज़राए आला का कंपेरिज़न कर लें तो मरियम नवाज़ का कोई कंपेरिज़न नहीं है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। नो डाउट ये तो कंजूसी है ना कि अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आप उसकी तारीफ़ ना हम तनकीद करते हैं तो तारीफ़ क्यों ना करें। यहाँ पर किसी को कभी धमकी दे रहा है किसी को वट्टा मार रहा है ये लोफर ये गुंडा ये किसी को गाली दे रहा है किसी को कहीं जा के वो ग्रिड स्टेशन में घुस जाते हैं कहीं जा के वो कैसे कहते हैं मैं स्विच बंद कर दूंगा कभी वजी कभी गवर्नर को धमकी दे रहा है मैं तेरा तेल बंद कर दूंगा ये काम है। कोई एक प्रोजेक्ट कोई एक नौकरी हाँ अलबत्ता ये है उसने ये वो इतना बदबख्त आदमी है उधर से कहता है जनाब तुमसे जो कोई मांगे करप्शन के को पैसे को रिश्वत मांगे उसके सर में ईंट मारो फिर से उसने नौकरियां बेचना शुरू कर दी हैं चपरासी से लेकर बड़ी फिर से वही लाखों करोड़ों की वो नौकरियाँ और पोस्टिंग ट्रांसफ़र लाखों करोड़ों की और बेचना शुरू कर दिया और सबको पता है पूरी ब्यूरोक्रेसी को पता है खुद सारे लोगों को पता है बता रहे हैं डीए खान वालों को नहीं पता हर किसी को पता है। अभी पंजाब से गंदम मंगवाई उनके अपने फ्रंट मैन थे उसमें अरबों रुपए की करप्शन और घपले हुए हैं तो क्या हुआ है ये सारा पूरे टीवी पे चलाते रहे कि जी पूरे पंजाब में जिस तरीके से आलाइशें उठाई गईं जिस तरीके से सड़कों को अर के गुलाब से धोया गया जिस तरीके से वो बाकी सफाई की गई वो बिल्कुल जनाब घंटों में दिन रात 24/7 काम किया जिस तरीके से वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने कराची में काम किया मुर्तजा वहाब साहब ने सारा कुछ तो ये मीडिया को दुश्मन है को भी वो भी दिखाता जनाब पेशावर में भी हुआ है इस तरीके से। आज भी मैंने खुद पता किया फ़ोन करके डी आई खान जहाँ वजीर आला का अपना शायर है सारी आलाइशें उसी तरह पड़ी हैं तो फिर ये कोई काम था। अगर बाकी दो वज़राए आला इस तरीके से दिन रात और वो बैठ के वो कंट्रोल रूम में बैठ के जिस तरीके से जाग के वो सारा कुछ इसको मॉनिटर कर रहे थे ये जनाब जाके किसी ग्रिड स्टेशन में घुसेगा किसी को गाली देगा किसी को वट्टा मारेगा किसी को सोटी की धमकी किसी को ये गुंडा बिठाया हुआ है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।